अब जाके मैं पटौदी पहुंचा हूं, अभी भी यहां से आधा घंटा बचा हुआ है। बस पहुंचने वाला हूं मैं। सामने देखो ये फाटक है, तो मैं इस फाटक के उस साइड जाना है। जैसे ही फाटक ओपन होगा चलते हैं। बहुत लंबा रास्ता था, मुझे ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए ड्राइव करते हुए। मैंने रास्ता पकड़ा था वो झज्जर वाला, झज्जर वाले से कुछ लेफ्ट साइड में था, पटौदी वाला रास्ता। कई जगह बहुत प्लेन था क्योंकि हाईवे है, बीच बीच में क्योंकि गाँव है बहुत सारे, तो बहुत जगह पे गाड़ी स्लो करनी पड़ रही थी। अब जाते हुए NH8 से जाऊंगा तो देखूंगा कितना शॉर्ट पड़ता है, फिर आपको बताऊंगा कि बेस्ट कौन सा रूट है, NH8 से आना या फिर जो झज्जर पटौदी वाला है वो रास्ता। ट्रेन आने को तैयार है बट स्कूटी और बाइक वाले मान नहीं रहे, अभी भी पटरी क्रॉस कर रहे हैं। तो इस तरह के कुछ ग्रीन बोर्ड लगाए हैं लोगों ने, तो इसको फॉलो करते जाओ जब आप क्लोज पहुंच जाओ, हो सके तो लोकल लोगों से पूछते हुए जाओ। ये अच्छे किए इन्होंने कि जगह जगह ग्रीन कलर के बोर्ड लगा रखे। देखो ये रहा एक और, बहुत ज्यादा अंदर जाके पूरा ऑफ रोडिंग का मजा लो। फाइनली पहुंच गया लोकेशन में, और लोकेशन जिस पर मैं वो है स्टीम लोको शेड जो कि रेवाड़ी में। रेवाड़ी में आना कैसे, इस लोकेशन में कैसे आना है रेवाड़ी, तो आप कैसे पहुंच सकते हो? अगर आप दिल्ली NCR से हो तो आई थिंक कार इनफ है, और बाकी अगर थोड़ा आप दिल्ली NCR से बाहर हो, जैसे कि हमारे साथ आ जाए हैं विक्की बाबू। खाली ट्रेन रहती है, पैसेंजर ट्रेन, लेकिन आराम से यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, स्टेशन से डायरेक्ट पैदल चल के आ सकते हैं। हाँ, और बता दूँ जस्ट ये इस साइड है रेलवे स्टेशन जो रेवाड़ी का है। मैं तो मेरठ से आया था, तो ट्रेन से मेरे लिए बेटर था क्योंकि बाई रोड तो मेरे को 6 घंटे लगते हैं। लास्ट 1 किलोमीटर का था, बहुत रफ है, बाकी बीच में जो गांव पड़ते हैं तो उनकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम पड़ रही थी। अभी फिलहाल अंदर चलते हैं, देखते हैं टिकट वगैरह क्या है, टाइमिंग्स क्या है। टाइमिंग अभी तो हम पहुँच गए हैं वैसे 1:15 बजे के आसपास, आगे बाकी अंदर देखते हैं चीज़ें और आपको अपडेट करता रहूंगा। तो भैया वीडियो को देखते रहो, और विक्की बाबू के साथ बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग करी, तो विक्की बाबू से मैं मिला था राइडर्स म्यूजिक फेस्टिवल में। हाँ, डे 1 के दिन, डे 2 में आए नहीं थे, डे 2 में थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मेरठ से अप डाउन करना थोड़ा मुश्किल था, तो डे 1 में मिले थे हम लोग। तो एंट्री टिकट अपनी कितनी लगी, एडल्ट वाली लगी ना अपनी, तो ग्रुप ऑफ कैमरा जमा कर देना ही है। तो एडल्ट नॉर्मल टिकट 10 रुपये, और यहाँ पे चेक करें कि हर एक शो की अलग अलग टिकट है, तो ये पूरी लिस्ट लगी हुई है। अब देखते हैं अंदर कि कौन कौन से हमें जाना है। स्टीम म्यूजियम, स्टीम सिमुलेटर, फिल्म शो, एंट्री टिकट। तो बता दूं ये रेवाड़ी में जो शेड बना हुआ है लोकोमोटिव, ये 1893 में एस्टेब्लिश हुआ था। लोकेशन है यहाँ पे, तो पूरे 5 मिनट मिलते हैं आपको ये करने के लिए। राइट हैंड साइड में स्क्रीन है, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन है, फ्रंट में स्क्रीन है, और ये पूरा 3D लुक आ रहा है यहाँ पे। ये इंजन है स्टीम इंजन, जैसे जैसे ये लोग यहाँ पे फावड़ा चलाते रहेंगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ती रहेगी। आई थिंक सेंसर लगा होगा इसके लिए, ये फावड़ा ही चलाते रहेंगे, कुछ और भी है इसमें। और पास पावड़ा टूट जाता। यहाँ पे साइड में इन्होंने एक विंडो बना रखी है, इस विंडो से आपको ये व्यू दिखता है, ये साइड में स्क्रीन और साइड भी पूरा। तो यहाँ डलता है कोयला और ये लगे सेंसर। स्टीम इंजन की हो गई है सवारी, अब बाहर आए हैं तो थोड़ा ना सर भारी हो जाता है आपके 5-10 मिनट के बाद, तो जब आपकी बारी है तभी अंदर जाओ क्योंकि वो इंजन की आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड होती है वहाँ पे। और अब मेरे पीछे देखोगे तो ये है पुराने ज़माने की क्रेन, इसको मैन्युअली ऑपरेट करते थे, तो इसकी हाइट भी देखोगे तो काफ़ी छोटी है। तो ये रहा पुराने जमाने का रोलर जो सिर्फ इस साइड का पार्ट हो गया है, ऐसा लग रहा है कि जलवल गया हो। मेरे ख्याल से ये एक इम्प्रूव करने वाली चीज़ है, यहाँ पे कुछ ना इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी किस इंजन के बारे में, कब वो बेल्ट हुआ था, कहाँ उसका यूज़ होता था, कब उसे यूज़ से हटाया गया। प्लीज़ बोर्ड लगा देते यहाँ पे कुछ, या प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइड होता तो ज़्यादा एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती लोगों को, बट ये है कि अभी खुद से एक्सप्लोर करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, चलो एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे इंजन भी हैं जो सिर्फ वर्ल्ड में यहाँ पे हैं, जो रनिंग है एक्चुअली में। इसकी टाइमिंग बता देता हूँ मैं आपको, 4:30-5 बजे तक ओपन रहता है, तो अगर आप थोड़ा दूर से आ रहे हो तो मेक श्योर थोड़ा आप जल्दी पहुँच जाओ। जो भी ये वीडियो देख रहा है जैसा पढ़ लो, कहीं मजे में ट्रेन के ऊपर चढ़ जाओ। Thank you.
उसमें लिखा भी हुआ है कि जो इंडिया की फर्स्ट ट्रेन चलाई गई थी वो चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 और जो इसने डिस्टेंस कवर की थी वो करी थी 21 माइल और 34 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए 3 इंजन लगे थे लोकोमोटिव के, साहिब, सिंध और सुल्तान। हम लोग जा रहे हैं अपने सेकंड शो के लिए जो कि फिल्म शो है, देखते हैं अंदर क्या है। तो मैं बता रहा था जो 34 किलोमीटर फर्स्ट ट्रेन चली थी उसमें से एक नाम सुल्तान इंजन का था, तो यह सुल्तान इंजन। तो ये फिल्म शो, फ्रंट सीट में सोफास लगे हुए, ये जिसमें हम बैठे हुए। तो ये प्रोजेक्टर के थ्रू एक फिल्म चलती है, जितने भी लोकोमोटिव इंजन थे उनके बारे में बताते हैं, उनकी हिस्ट्री बताते हैं कि कब स्टार्ट हुआ था एंड देन कब उसे यूज से हटा दिया गया था। तो थोड़ा बैठते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या चल रहा है, फिर आगे बताता हूँ आपको कैसा रिव्यू रहा है। फिल्म शो देख के निकले थे हम लोग, सच्ची बताऊं इतना मजेदार फिल्म शो था कि जो मेरी सुबह की नींद थी वो कंप्लीट हो जाती, पूरे मैं एकदम जो सपनों वाली दुनिया में होता वो चला गया। गाइस ये रहे इन फिल्मों के नाम जहाँ पे स्टीम इंजन यूज किया गया है, तो देखो गदर हो गया, रंग दे बसंती हो गया, पार्टीशन हो गया, ग्रो हो गया, अलावा आजकल तो ये सारी पूरी लिस्ट अभी तक 20 फिल्म यहाँ पे शूट हो चुकी है। उसमें कुछ टीवी सीरियल्स भी है, साउथ इंडियन मूवीज भी है। अभी जो लेटेस्ट मूवी रिलीज होने वाली है वो भारत 2018 में, उसका आई थिंक ऑलरेडी शूट हो गया है। तो एक इंजन मिला हमें जो वर्किंग कंडीशन में, तो हर ट्यूसडे को यहाँ पे इंजन जो वर्किंग है उनको चलाया जाता है, उनको ऑन किया जाता है और ये जो पटरी देख रहे हो आप यहाँ पे थोड़ा सा इनको चला के उनको वॉश किया जाता है ताकि थोड़ा रनिंग कंडीशन में रहे। कोई कंफर्म नहीं है कौन सा ट्यूसडे होता है, बस ये होता है कि 10-15 दिन में हर ट्यूसडे को जो इंजन रनिंग है उनको चलाया जाता है। वैसे यहाँ पे जिनकी जॉब होती है मस्त वाली जॉब है ना, शो स्टार्ट हुआ प्ले बटन दबाया बाहर चले गए, उसके बाद 10-15 मिनट बाद आए फिर कोई आ गया प्ले बटन दबाया फिर बाहर चले गए। सबसे मस्त वो गार्ड वाले अंकल की जॉब है, वो पहलवान देख ये वीडियो ना बनाइए, मैंने पूछा फोन लेके जाना बात तो वही हो गई। ये बहुत पुराने इतने पुराने हैं कि जब पैदा भी नहीं हुए थे। तुम्हें सलमान खान वाला सुल्तान चाहिए, कौन सा सुल्तान चाहिए? एक इंजन का नाम भी सुल्तान है, टीवी में आ जाएगा। तो टीवी में तुमने कुछ गलत काम किया क्या, टीवी में आ जाओगे तो डर क्यों रहे हो? हम भी तो टीवी पे आ रहे हैं। कौन चलाते हैं फिर नहीं आओ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने कि सबसे महंगा इंजन है और कितने का है, कितने का भाई बता दे। हम लोग आए अभी हेरिटेज म्यूजियम से वापस आए, कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, फोन अलाउड है बट फोन से सिर्फ दो चीज की फोटो खींच सकते, बस वो भी फोटो, वीडियो भी नहीं सिर्फ फोटो। तो उन्होंने साफ साफ एक आंटी थी गुस्से वाली, भाई साफ साफ झाड़ दिया कि नहीं वीडियो नहीं बनानी बिल्कुल। यहाँ पे एक कैफेटेरिया भी है, बहुत देर से भूख लग रही थी, ये नमकीन वगैरह है। तो स्नैक्स के नाम पे हमें यहाँ सिर्फ दो चीजें मिली। तो मेरे पीछे अगर आप एक ग्रीन कलर का कोच देख रहे हो ये एडवर्ड 8 लिखा हुआ है इसमें, तो ये एडवर्ड 8 जो थे वो यूनाइटेड किंगडम के किंग थे उस टाइम पे, और जब भी इंडिया आते थे तो मोस्टली इसमें ट्रैवल करते थे। इसके अंदर बार कैफेटेरिया सब कुछ जो है लग्जरी ट्रेन में होता है सब कुछ इसमें होता था इंक्लूडेड, तो दैट्स द रीजन इसमें आप देखो ट्रेन में लिखा भी है एडवर्ड 8 है। और यहाँ पे एक पार्क भी बना हुआ है जहाँ पे फैमिलीज वगैरह आके स्टे करती है एक पिकनिक वगैरह की तरह। तो वही बाहर आ गए, अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे और चलो चलते हैं विक्की बाबू को हम छोड़ दें। कहाँ छोड़ना भाई तुम्हें, जहाँ पहली मेट्रो आ जाए। तो आई होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को जल्दी लाइक दो, शेयर करो और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। तो मिलता हूँ आपको नई लोकेशन के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।